हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 में इस साल हम सभी को पता है कि आपका सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है। जैसे पिछले साल आपका 11th का सिलेबस जो है वो चेंज हुआ था और इस साल आपका 12th का सिलेबस चेंज हुआ है। ये जो 12th का सिलेबस अभी चेंज हुआ है और फिलहाल लॉकडाउन की सिचुएशन से जो हम जा रहे हैं, अब इसी इसमें क्लास 12th की पढ़ाई का आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कुछ वीडियोज बना रहे हैं आपको जो हेल्प करेंगे मैथमेटिक्स में। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले हमारा जो चैनल है आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि जब कभी भी हम नए वीडियोस डालते हैं इसमें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर 2 का फर्स्ट लेसन, डिफरेंशिएशन। पिछले साल आपने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा हुआ है, उसी का आगे का पार्ट आपको इस तरह पढ़ना है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले साल के मैंने कुछ फॉर्मूलेस आपके लिखे हुए यहाँ पे डेरिवेटिव के, दैट डी बाय डी एक्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एन is n into x to the power n minus. Okay? Next formula, that is derivative of 1 by x is minus 1 by x square. Derivative of root of x, that is d by dx of root of x is 1 upon 2 root x. Derivative of sin x, that is cos x. Derivative of cos x, that is minus sin x. मैंने सिर्फ पांच ही फॉर्मूले लिखे हैं, फॉर्मूले इतने नहीं है, इससे ज्यादा है। ठीक है, सिर्फ ये कंपोजिट फंक्शन का क्या पार्ट होता है वो समझाने के लिए मैंने ये पांच फॉर्मूले लिखे हैं, ये आपने 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अभी इसी साल इसी के ऊपर बेस आपको पढ़ने हैं डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड कॉम्पोजिट फंक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडर्ड कॉम्पोजिट फंक्शन? यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले थे इसमें x यूज हो रहा था, तो सिर्फ फर्क अभी इतना है कि यहाँ पे अभी x के जगह पे कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन हो, वो जो स्पेसिफाइड फंक्शन है वो स्पेसिफाइड फंक्शन का फॉर्मूला एज पर दिस फॉर्मूले आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला डेरिवेटिव ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ अगर कोई एक फंक्शन है और उसके पावर में अगर n दिया हुआ है, then what will be the formula? d by dx of f of x to power n is n. Application same रहने वाला है n into function of x to the power n minus 1. सिर्फ एक एडिशनल चीज जो है आगे इसमें कि ये जो फंक्शन है उसी फंक्शन का अगेन यहां पे डेरिवेटिव लेना है आपको मल्टीप्लीकेशन। ओके, सिमिलरली सेकेंड फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा हुआ है d by dx of 1 by x है, तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं 1 upon function of x, तो उस केस में भी क्या होने वाला है? इसका आंसर है minus 1 upon x square. तो as per this formula यहां पे क्या आ जाएगा? minus 1 upon function of x का square into d by dx of this function of x. जो भी function of x है उसका derivative आपको multiplication में लिखना है। थर्ड, derivative of root x है, तो अब root x की जगह पे यहां पे आ जाता है root function of x, तो ये क्या होने वाला है? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो वो होने वाला है 1 अपॉन 2 रूट फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। बराबर, फोर्थ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको दिए हुए हैं, तो अगर डी बाय डी एक्स ऑफ साइन फंक्शन ऑफ एक्स, तो इसका आ जाएगा क्या? कॉस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। अगर d by dx of cos function of x है, तो cos function of x के लिए उसका आंसर आ जाता है minus sin function of x into d by dx of function of x. तो इस तरह से लास्ट ईयर के जितने भी फॉर्मूलेस है उसमें कॉम्पोजिट फंक्शन डाल के आप उसके फॉर्मूलेस लिख सकते हैं। आप सभी को एक कॉपी लेनी है, कॉपी में इस चैप्टर का हेडिंग देना है और पहले 11th के सारे फॉर्मूलेस और फिर 12th के सारे फॉर्मूलेस जो आपको टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं वो आपको सभी को पहले उस पर लिखने हैं। अब मैं आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं इसके प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करेंगे अभी लिए फॉर्मूले किस तरह से अप्लाई करने वाले हैं वो अभी हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, आप सब लोग ध्यान देंगे क्योंकि एग्जांपल वीडियो जो हम बना रहे हैं उसमें हम सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल हम ले रहे हैं और आपको उसी का एग्जांपल एक्सप्लेन से भी दिए हैं जो आपको ट्राई करने हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल इसका, जैसे फर्स्ट हमें डेरिवेटिव निकालना है y is equal to differentiate, question लिख रहा है यहाँ पे differentiate y is equal to root of x square plus 5, ये आपको question दिया हुआ है। ओके, so now y is equal to root of x square plus 5, ये किस pattern में आ गया? root of function of x, ये वाला। बराबर, यानी यहाँ पे function of x क्या है? x square plus 5। तो अभी हम solve कैसे करेंगे? so differentiate with respect to x. Okay? So, dy by dx, derivative of this y is equal to, ये formula जो apply करते हैं, 1 upon 2 root function of x
यानी क्या आ जाएगा 1/2 √(x²+5) इनटू d/dx ऑफ फंक्शन ऑफ x, यानी साथ में डेरिवेटिव आने वाला है किसका, तो x²+5। ओके, सो 1/2 √(x²+5) x² का डेरिवेटिव आ जाता है 2x और 5 का डेरिवेटिव आ जाता है क्या, 0। यानी हमारा फाइनल आंसर जो है dy/dx, अभी अगर आप ध्यान देंगे यहां पे, यहां डिवीजन में 2 है, इधर मल्टीप्लिकेशन में 2 है, 2x + 0 तो 2 ही होने वाला है, 2x ही होने वाला है ना। तो हम नेक्स्ट स्टेप भी कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 √(x²+5) × 2x, तो दिस 2 गेट कैंसिल, यानी हमको आंसर मिलने वाला है dy/dx इज x/√(x²+5)। ये हो जाता है हमारे इस कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक सॉल्व एग्जांपल बताया था, अभी हम क्या करते हैं कि आपको जो एक्सरसाइज में ये सारे फॉर्मूले बिना ना, क्योंकि आपके पास टेक्स्टबुक में लिखे हुए हैं, अगर आपके पास टेक्स्टबुक अवेलेबल नहीं है आप टेक्स्टबुक्स के पीडीएफ यूज कर सकते हो, पीडीएफ बहुत इजीली अभी अवेलेबल है, और वैसे मैंने भी मेरे कॉलेज के ग्रुप में भेजे हुए हैं पीडीएफ वगैरह, तो आप यूज कर सकते हो। तो एक हम एक्सरसाइज का प्रॉब्लम देखते हैं, क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स अभी कुछ नए बने हुए हैं, उसमें कुछ पुराने प्रॉब्लम्स हैं, लास्ट ईयर जो आपको प्रॉब्लम दिए हुए थे वो भी आप रेफर कर सकते हो उसमें। तो मैं एक क्वेश्चन पहला बता रहा हूँ, इसमें मेरे पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है, मैं भी पीडीएफ यूज कर रहा हूँ। सो एक्सरसाइज 1.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, y = आपको डिफरेंशिएट करना है x³ − 2x − 1 to the power 5, ये आपको दिया हुआ है। अब ये क्या हो गया, दिस इज ऑफ द टाइप फंक्शन ऑफ x टू द पावर n, तो फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो फंक्शन ऑफ x टू द पावर n यानी क्या, n into फंक्शन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 into d/dx ऑफ x³ − 2x − 1। सो dy/dx ये आ जाएगा 5 × x³ − 2x − 1 to the power 4। What is the derivative of x cube? That will be 3x². Derivative of −2x is −2 and derivative of 1 is 0. So therefore, final answer that is dy/dx is 3x² − 2. ये 5 हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख रहे थे सामने, into x³ − 2x − 1 to the power 4। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इसके एग्जांपल्स जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तब तक कि आप ये सारे फॉर्मूले लिख के आगे ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। थैंक यू।